प्रियंका जी ने अभी शुरुआत में बोला कि जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी होती है, टीवी चालू करो नरेंद्र मोदी, रेडियो चालू करो नरेंद्र मोदी, सड़क पे चलो नरेंद्र मोदी। इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहां से आता है? आप टीवी पे 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अखबार में लाखों रुपए रखते हैं, ये देश में हर रोज जो नरेंद्र मोदी की फोटो आ रही है, इनका चेहरा आ रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी की जेब से तो नहीं आ रहा ना, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा कि करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी, पैसा कहां से आ रहा है? मैं आपको बताता हूं भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके, लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा छीनकर इनको दिया गया है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर है तक पहुंच गए। अब 5 साल अन्याय किया, 5 साल अन्याय किया। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे पास आए, आपने हमसे सवाल पूछा, आपने कहा देखिए ये अरबपति लोग हैं, इनके लिए बैंक के सामने लाल कालीन लगती है, हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक में जाते हैं, हमें कहते हैं भैया तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। आपने हमें कहा कि किसान का कर्जा माफ करके दीजिए, 10 दिन के अंदर 72,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का हमने माफ करके दे दिया, 10 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मैंने ऐसी मीटिंग में वहां कहा देखिए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। भाइयों और बहनों 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमें कर्जा माफ कर दिया सबका। हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, कहते हैं मिडिल क्लास से आएगा, मध्यम वर्ग से आएगा। मैं बताना चाहता हूं मिडिल क्लास से नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स को नहीं बढ़ाएगी, मगर अनिल अंबानी के जेब से आएगा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी उनके जेब से आएगा और आपके जेब में जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, यहां कोई है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? अच्छा एक और सवाल, यहां कोई किसान है जिसके खेत में रात को आवारा पशु नहीं आया हो? एक है यहां पे, अभी हमने देखा हेलीकॉप्टर से खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं। बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों को, वो उनकी चौकीदारी कर रहा है, अनिल अंबानी की, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी का की। अच्छा एक सवाल, आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? कभी जिंदगी में आपने चौकीदार के घर के सामने किसान देखा, बेरोजगार युवा के सामने घर के सामने देखा?
छोटे दुकानदार के सामने चौकी। अच्छा अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी चौकीदार को तो इन लोगों के घर के सामने होते हैं। लाखों करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, इसलिए चौकीदार की जरूरत होती है। तो ये नरेंद्र मोदी आपको नोटबंदी में खड़ा करता है, आपसे कहता है काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। अच्छा भैया एक बात बताओ, नोटबंदी के समय लाइन में काले धन वाले खड़े थे क्या? अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी खड़े थे क्या? हिंदुस्तान के ईमानदार लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, ये लोग खड़े थे। आपके जेब में से पैसा निकालकर चोरों के जेब में पैसा डाला है नरेंद्र मोदी ने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम भर देंगे आपके लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, यह सच्चाई है। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार दिलवा देंगे, मगर मैं आपको स्टेज से दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, 15 लाख की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 की करूंगा। आप दिन भर काम करो, उत्तर प्रदेश का किसान काम करे, अपना खून पसीना दे और फायदा उनको मिले। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी जैसे लोगों का, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का। प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो भी उनको चाहिए मिलता है। बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना होता है, बेहतर से बेहतर कॉलेज में भेज देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। परिवार में कोई बीमार होता है, MRI की जरूरत होती है, कैट स्कैन की जरूरत होती है, लाखों रुपए दे देते हैं। किसी को कैंसर होता है, दिल का दौरा होता है, एकदम लाखों रुपए दे देते हैं। मगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते, पहले लाखों रुपए निकालकर उन्हीं चोरों को दो। बीमार होता है, इलाज की जरूरत होती है, लाखों रुपए दो, उन्हीं चोरों को दो, पूरा का पूरा उनका। स्कूल उनके, कॉलेज उनके, यूनिवर्सिटी उनके, अस्पताल उनके। आप लोग बीमा देते हो, उत्तर प्रदेश का किसान बीमा देता है, नुकसान होता है, आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलता। हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, अनिल अंबानी को 10-15 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। बीमा का काम तुम यहां करोगे और कोई नहीं कर सकता। ये लो 15 डिस्ट्रिक्ट, अदानी जी ये आपके हैं, यहां बीमा का काम आप करोगे। भाइयों और बहनों, 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों का पैसा, बीमा का पैसा इन लोगों ने आपसे चोरी करके लिया है। और जब आंधी आती है, तूफान आता है, आप बीमा का पैसा मांगते हो, आपको कहते हो नहीं भैया आपको नहीं मिलने वाला, आप कौन हो? हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, एक हिंदुस्तान होगा। अगर 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होगा तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ होगा। हम न्याय की बात कर रहे हैं। आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो तो फिर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ मत करो। अगर आप उनका नहीं माफ करोगे तो फिर हम किसान कर्जा माफी नहीं मांगेंगे, मगर अगर आप उनका लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो तो फिर हम किसानों का भी लाखों करोड़ रुपए माफ करेंगे। आप देखिए नीरव मोदी
35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसको जेल हुई। अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, जेल में है नहीं। अब किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है, 30,000 रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, उसकी जेल होती है, जेल जाता है। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अरबपति कर्जे के लिए जेल नहीं जाते, मगर हिंदुस्तान के लाखों गरीब किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाते हैं। क्या ये आपको सही लगता है? क्या ये आपको ठीक लगता है? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के मामले में जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अब किसान को जेल में डालवाना है तो पहले अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को जेल में डालो, विजय माल्या को वापस लाओ, जेल में डालो। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। कर्जे का डर हो, भविष्य का डर हो, हम हिंदुस्तान के किसान के दिल से उसको मिटाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस देश की शान हो, आप इस देश की शक्ति हो, और आप इस देश को बनाते हो, आपके बिना यह देश नहीं चल सकता है। यह मैसेज हम आपको देना चाहते हैं।